नमस्कार, मैं रवि चपटे और आज हम देखेंगे वचन में एक वचन एवं बहुवचन के नियम। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तके। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से हमें एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है और बहुवचन से एक से अनेक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। अब हम एक वचन एवं बहुवचन के नियम देखेंगे। पहला नियम देखो, द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लस्सी आदि। दूसरा नियम देखो, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे आंसू, समाचार, आशीर्वाद, दाम, प्राण। वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत, उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान होता है। जैसे मुनि, डाकू, आदमी। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, चांदी, धन। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे विद्यार्थी, टोली। ज्यादा समूह का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों, टोलिया। एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आंख, कान, उंगली, पैर, दांत। एक वचन में एक आंख, एक कान, एक उंगली, एक पैर, एक दांत। अगला नियम देखिए, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, रुंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण, मजदूर लोग, स्त्री जाति, शिक्षक वृंद, प्राणी समूह। सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर इंसान, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक मनुष्य। आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी, शास्त्री जी, गुरु जी। कभी कभी एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना, मामा, चाचा, ताऊ, दादी। अगले वीडियो में हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखेंगे। धन्यवाद।